नमस्ते दोस्तों मैं हूँ अमृता और मेरी इस पूजा क्रोची चैनल पे आप लोगों का स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए ये देखिए एक थाला पोशी की डिज़ाइन लाई हूँ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये थाला पोशी की डिज़ाइन मैं एक ही कलर से मैं बना रही हूँ लेकिन आपको चाहिए तो आप डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं तो देरी ना करते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ तो चलिए पहले इसे बनाते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है अभी हम लोग इसमें गार्ड बनाएंगे तो मैं यहाँ पे गार्ड बना रही हूँ फिर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे चेन लेना स्टार्ट कर रहे हैं देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेन ले रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छ छः चेन लेने के बाद हम लोग फर्स्ट जो है इसके अंदर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे ठीक है ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया अभी यहाँ पे एक दो तीन चेन ठीक है तीन चेन तीन चेन लेने के बाद और एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे ठीक है फोर्थ चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट इसके अंदर जो हम लोगों ने जॉइन करके राउंड शेप दिया था इसके अंदर से फिर से हम लोग एक फिर एक चेन एक डबल क्रोशेट ये देखिए फिर से हम लोग एक चेन एक डबल क्रोशेट ऐसे करके हम लोग ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हम लोग टोटल लेंगे ग्यारह ग्यारह डबल क्वेश्च ठीक है तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्यारह डबल क्वेश्चन ले लिया है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक चेन फिर यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीसरे नंबर पे हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे ठीक है अभी ज्वाइन करने के बाद ये जो गैप है एक स्लिप स्टिच लेके फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन फिर यहाँ पे और एक बार डबल क्रोशेट दो बार हो गया अभी यहाँ पे एक चेन ठीक है फिर से यहाँ पे एक दो डबल क्रोशेट ठीक है फिर एक चेन एक दो डबल क्रोशेट फिर यहाँ पे एक चेन ऐसे करके ये राउंड जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे ग्यारह बार ही पर दो बार दो बार करके लिया है हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक दो तो, तीन तीसरे नंबर पे हम लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक दो तीन चेन फिर यही पे और एक बार डबल क्रोशेट ठीक है एक डबल क्रोशेट यहाँ पे ले लिया फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग फिर इस पे एक दो डबल क्रोशेट हो गया होने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग एक चेन लेंगे फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग फिर से एक दो डबल क्रोशेट फिर से यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे फिर से एक और ये दो तो देखिए दोस्तों ऐसे करके हम लोगों ने करने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जो है फिर से फर्स्ट वाले के अंदर दो बार बनाना है एक दो ठीक है फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर से दो बार डबल क्रोशेट एक और ये दो हो गया? ऐसे करके ये लाइन भी कंप्लीट करना है फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो देख देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैंने एक चेन भी ले लिया और ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है ये लाइन कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी हम लोग क्या है यहाँ पे एक चेन भी ले लिया है हम हम लोग इसमें जॉइन करेंगे एक दो तीन तीसरे नंबर पे।, पे मैं पहले इसे जॉइन कर रही हूँ फिर यहीं पे हम लोग एक दो तीन चेन फिर नेक्स्ट पे भी दो ठीक है यही पे और एक बार तीन हो गया फर्स्ट एक फिर दो फिर यहाँ पे एक बार और नेक्स्ट में भी एक बार तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बनाया मैंने एक दो तीन चार पाँच टोटल पाँच हुआ तो फर्स्ट एक लेने के बाद फिर नेक्स्ट पे दो बार लिया फिर एक तीन फिर से यहाँ पे फर्स्ट में एक बार डबल क्रोशेट फिर नेक्स्ट पे दो बार डबल क्रोशेट एक दो तीन और यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग सेम प्रोसेस किए एक दो तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दो बार लिए फिर एक दो ठीक है ऐसे करके अभी हम लोग ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है तो अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चेन लिया हुआ है अभी एक दो तो तीन तीसरे नंबर पे फिर से मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ फिर यहाँ पे हम लोग एक दो तो तीन चेन फिर नेक्स्ट में और एक सिंगल डबल फिर यहाँ पे एक फिर दो सेंटर में ठीक है दो बार हो गए अभी नेक्स्ट में फिर से एक फिर से यहाँ पे और एक बार टोटल हो गए बार ठीक है फर्स्ट चेन को लेके छः बार हो गया फिर हम लोग एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट पे एक दो तीन और यहाँ पे चार पांच ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो अभी हम लोग ये लाइन जो है कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये दोस्तों मैंने जो है ये वाला लाइन देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे दो हुआ है यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ लाइन मैंने कंप्लीट की है यहाँ तक और लास्ट लाइन में ग्यारह डबल क्रोशेट होना चाहिए ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को देखिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह डबल क्रोशेट मैंने कंप्लीट कर ली है अभी हम लोग नए लाइन पे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले पे नहीं बनाएंगे एक स्किप कर देंगे फिर यहाँ पे ठीक है फर्स्ट वाला स्किप कर लिया अभी यहाँ पे हम लोग एक दो तो, तीन चेन डबल फिर नेक्स्ट पे डबल को दो हो गए फिर तीन चार पाँच सात, आठ एंड नौ ठीक है नाइन डबल क्रोशेट हम लोगों ने ले लिए तो फर्स्ट वाला स्किप कर लिया और लास्ट वाला स्किप करना है ठीक है पहले से और लास्ट वाले को फिर यहाँ पे एक दो चेन फिर ये जहाँ पर हम लोगों ने गैप लिया था यहाँ पे दो बार चेन लिया है ठीक है सिंगल नहीं दो बार लिया है फिर यहाँ पे अंदर से डबल क्रोशेट ठीक है फिर से यहाँ पे एक दो चेन फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं सेकंड पे हम लोग फिर से डबल क्रोशेट एक दो तीन ऐसे करके यहाँ पे भी तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा हम लोग इस गैप में एक डबल क्रोशेट लेना है यहाँ पे भी सेम तरीके से लिया है इस तरीके से पूरा राउंड हम लोग इस तरह से सिलाई करेंगे तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं नेक्स्ट लाइन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन है जो कंप्लीट कर ली है तो ये देखिए हर एक साइड पे मैंने ये वाला बनाया है और नौ करके डबल क्रोशेट मैंने हर एक लाइन पे लिया हुआ है अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे फिर से जहाँ पर मैंने चेन लिया था स्टार्ट किया था वहाँ पर एक स्किप कर दी अभी फिर से यहाँ पर एक दो तीन चेन फिर से यहाँ पे डबल फोर दो तीन तीन फिर चार पांच लास्ट सात ठीक है अभी देखिए दो तीन चेन लेंगे हम लोग ठीक है तीन चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशेट फिर एक दो तो, तीन चेन फिर से और एक डबल क्रोशेट हो गया अभी फिर से एक दो तो, तीन चेन फिर से हम लोग फर्स्ट में नहीं सेकंड वाले पे हम लोग फिर से डबल क्रोशेट लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात तो सेम प्रोसेस में हम लोग करते जाएंगे ये वाला लाइन ठीक है तो देखिए दोस्तों मैंने जो है देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया है ये देखिए ये सिरा जो है देख सकते हैं ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था घटाना ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटाया यहाँ पे दो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सात के बाद सात डबल क्रोशेट लेने के बाद यहाँ पे दो घटाने के बाद पाँच होते हैं ठीक है? है, है पाँच के बाद हम लोगों ने चार किए हैं ठीक है पाँच के बाद चार किए हैं ऐसे करके हम लोगों ने घटाया है देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने घटाया है अभी मैं यहाँ पे देखिए घटाने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बनाना है यहाँ पे देखिए सेंटर में एक स्लिप स्टिच लेने के बाद दो तीन चेन ठीक है फिर यहाँ पे एक दो फिर तीन डबल क्रोशेट इस तरह से, ठीक है फिर इसके यहाँ ऊपर और एक डबल क्रोशेट फिर नेक्स्ट पे इस गैप में फिर से तीन बार डबल क्रोशेट एक दो और ये तीन डबल क्रोशेट ठीक है फिर नेक्स्ट पे फिर से एक डबल क्रोशेट फिर यहाँ पे गैप में एक दो तीन डबल क्रोशेट फिर से इसमें एक और डबल क्रोशेट फिर इस गैप में फिर से एक दो तीन डबल क्रोशेट फिर से यहाँ पे एक और डबल क्रोशेट तो इस तरीके से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो देखिए दोस्तों ये देखिए अभी ये कितना अच्छे से बैठ गया है अभी देखिए मैंने ये लाइन जो है देख सकते हैं मैंने पूरा लाइन कवर कर लिया है अभी यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था यहाँ पे मैंने इसे जॉइन कर लिया है तीसरे नंबर पे जॉइन कर लिया है अभी जॉइन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है एक दो तो, तीन चेन और फिर नेक्स्ट वाले पे फिर से डबल क्रोशेट मैंने हर एक पे नेक्स्ट पे हम लोग करते जाएंगे ठीक है बनाना नहीं है जो है उसके ऊपर और एक डबल क्रोशेट ठीक है ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है सेम तरीके से इसके ऊपर सेम तरीके से हम लोग फिर से बनाते जाएंगे तो ये लाइन मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं लास्ट का दिखाऊंगी आपको कैसे करना है तो देखिए दोस्तों मैंने जो है देख सकते हैं मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है अभी ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन बनाएंगे तो नेक्स्ट लाइन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अभी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक दो तीन चेन फिर नेक्स्ट पे फिर और एक डबल क्रोशेट तीन डबल क्रोशेट हो गए और ये चार पाँच ये देखिए यहाँ पे पांच डबल क्रोशेट ले लिया अभी हम लोग चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ चेन ठीक है छ चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक दो तो, तीन चार चौथे नंबर पे जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे हम डबल बनाएंगे ये देखिए फिर से यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच चेन फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ चेन फिर से नीचे एक दो तीन चार पाँचवें नंबर पे फिर से डबल क्रोशेट तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो देखिए दोस्तों मैंने देखिए ये वाला देखिए ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है तो ये कुछ अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी हम लोग लास्ट का बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जॉइन किया हुआ है देखिए यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है अभी हम लोग स्लिप स्टिच लेके यहाँ तक आना है ठीक है यहाँ तक एक दो ठीक है तीन यहाँ तक आ गए ठीक है फिर यहाँ से यहाँ पे डबल क्रोशेट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये लास्ट बारह हो गया अभी यहाँ पे देखिए एक दो तीन यहाँ पे हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे ये कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ पे फिर से डबल क्वेश्चित एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह और ये लास्ट बारह इस तरीके से हम लोगों को ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है ठीक है ये लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट लाइन आप ऐसे भी कंप्लीट करके रख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन भी कंप्लीट कर ली है तो ये कुछ अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है देख सकते हैं आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं ये कंप्लीट ही है ठीक है तो मैं यहाँ पे ही आप लोगों को कट करके दिखाऊंगी कि कम्प्लीट हो गया है ये मेरा और ये आप लोग घर पे बना सकते हैं किसी भी कलर एक कलर से ये देखिए मैंने कट कर लिया है अभी हम लोग इसे निकाल देंगे ठीक है तो ये हो गया हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया ठीक है देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अभी ये किसी भी एक कलर से आप बनाइए बहुत ही सुंदर दिखेगा और अगर आप लोगों को चाहिए कि दो कलर से आप बनाना चाहते हैं तो आप ये सेंटर जो है ये सेंटर आप एक कलर से बनाएंगे ये पूरा सर्कल और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भी आप एक कलर डाल सकते हैं दूसरा डिफरेंट कलर और यहाँ पे भी आप एक दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को दूसरे कलर से बनाना है तो तीन कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं लाती रहूँगी तो आप देखते रहें मेरे इस चैनल को और भी मैं थाला के ऊपर नई नई वीडियोस लाती रहूँगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग